सलाम रोही, आपकी सब बातों के साथ मैं हूं आयशा चौधरी। हेडलाइंस शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। लाइन लॉसेस पर काबू पाने के लिए मेपको की हिकमत अमली तैयार। रीजन भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन करने का फैसला। मीटरों की खंभों पर तनसीब के साथ मुंतखब फीडर की चेकिंग होगी। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मेपको हेडक्वार्टर इरसाल की जाएगी। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम, रेलवे मुल्तान डिवीजन का पहला नंबर। गुजश्ता पांच माह में कब्जा माफिया से 43 एकड़ जमीन बागजार करवाई गई। बेहतरीन कारकर्दगी पर डीएस रेलवे अमीर दाऊद पोता की अफसरान को शाबाश। निश्तर अस्पताल में शहरी अमीर बख्श की हलाकत का मामला। लवाहकीन ने हलाकत की वजह वजीर आला पंजाब के प्रोटोकॉल को करार दे दिया। एमएस निश्तर अस्पताल ने लवाहकीन के इल्जाम की तरदीद कर दी। अमीर बख्श की हलाकत वजीर आला के आमद से डेढ़ घंटा कबल इमरजेंसी वार्ड में हुई। महकमा एंटी करप्शन मुल्तान की बड़ी कार्रवाई। पंजाब कोऑपरेटिव लिक्विडेशन बोर्ड की 196 कैनाल अराजी बागजार करवा ली गई। सरकारी अराजी पर निजी हाउसिंग कॉलोनी इब्राहिम सिटी बनाई गई थी। डीएचक्यू बहावलनगर में अद्वियात की खरीदारी में करप्शन का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने खाते खोल लिए। सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी पाकपतन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा। कोट समाबा में नाकिस खोया बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। 450 किलो खोया बरामद। फैक्ट्री मालिकान फरहान गिरफ्तार। रहीम यार खान से एमपी आसिफ मजीद की जहांगीर खान तरीन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर लोधना के एमपीए नजीर खान बलोच की भी जहांगीर तरीन से मुलाकात। शहर की सूरत हाल से आगाह किया। और अहमदपुर शर्किया से मुस्लिम लीग काफ के वक्त की स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ बहावलपुर के सदर सलाहुद्दीन जलानी ने दौरा बहावलपुर की दावत दे दी।